हम हुमा को छेड़ने वाले हैं कि आओ आके थोड़े अपने जौहर दिखाओ. तुम क्या सिखाओगी आज पब्लिक को? मैं सिखाना चाहती हूँ अबाउट लिपस्टिक. ओके, आप जब लिपस्टिक लगाएं तो अपने, जो मैंने देखा है मेकअप में, यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा कर देते हैं कि अगर किसी के लिप्स हैवी हैं तो उसको छोटा क्यों कर देते हैं समझ नहीं आती. जबकि आपको फुलर लिप्स दिखाने चाहिए. वो क्या गड़बड़ करते हैं? अगर किसी के लिप्स अच्छे हैवी हैं तो वो क्या छोटा क्या करते हैं? किस तरह करते हैं? आप मेजॉरिटी मेकअप आर्टिस्ट का अगर आप काम देखें तो उनके ना जो लिप, हमारी जो नेचुरल लाइन है लिपस्टिक के नीचे से, वो नेचुरल लाइन दिख रही होती है और उसके ऊपर वो लिपस्टिक लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपर लिप की शेप बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप उसको ऐसे थोड़ा देखें. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिप्स कभी भी इक्वल नहीं होते. कभी लोअर लिप आपका बड़ा होता है, अपर लिप आपका थोड़ा सा थिन होता है. तो उन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. मेजॉरिटी क्या करती है कि लोअर लिप को थोड़ा डीप कर देती है और अपर लिप को जैसी उसकी नेचुरल शेप होती है उसको वैसे ही रख देते हैं. तो कई दफ़ा पूरे मेकअप का आप विजुअल इफेक्ट देखें तो वो लिप्स पे आके थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ये कुछ मिसिंग है, क्या है. तो अगर आप लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें तो उसमें सबसे पहले तो आप उसकी आउटलाइन बना के उसको पहले फुल शेप आप देखें कि हर लिप की शेप डिफरेंट होती है. आप लिप्स को देखें, हर लिप्स अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाए. अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज सीखनी है. आमतौर पे जब एक आम औरत सब्जी फलाना डमाका ये सब कुछ लेने जा रही है तो वो बेस नहीं लगाती, वो लिपस्टिक जरूर लगाएगी. वो लिपस्टिक लगाएगी, हल्का फुल्का ब्लश ऑन लगा ली तो लगा ली, उसके बाद वो निकल जाएगी, चाहे वो मार्केट जा रही है कहीं, बगैर बेस के. एक अच्छी लिपस्टिक अगर आप लगाना सिखा दें, जैसे लाइक बीनिश के होंठ है, मुझे लगता है कि अगर बंदा ऐसे लिप्स हो तो बस, या सबा के भी हैं मोटे मोटे तो इसको तो, बीनिश के अगर आप लिप्स देखें तो इस पे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बिकॉज़ ऑलरेडी शेप है. नहीं, पर इस पे कभी-कभी व्हेन यू आर यूजिंग द लिटिल ब्राइट एंड डार्क कलर तो बहुत एहतियात करना पड़ता है बिकॉज ऑलरेडी इतने बड़े हैं तो फिर वो यू नो. देखिए, अभी इन्होंने डार्क लिपस्टिक लगाई है ना, पूरे फुलर लिप्स बनाए इन्होंने. ये नहीं किया कि मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज इन कर दूं. अगर ये ऐसा करती है तो इनके आउटर लिप की एक लाइन नजर आ रही होती है. ठीक है ना. इसी तरह से अगर आप देखिए, इन्होंने सेंटर को हल्का सा सॉफ्ट रखा है ताकि पूरा लिप जो है उसका बैलेंस नजर आए, क्योंकि अपर लिप एंड लोअर लिप की शेप जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हुई है ना. आप आके थोड़ा सा अपना, अपने जौहर, अपनी टीचिंग से हमें समान नहीं है, समान पीछे रखा हुआ है. फुलर लिप्स हो यहाँ है, समान रखा हुआ है. कुछ चाहिए तो बता दें, आवाज दे बाबुलंद. लिपस्टिक निकाल देंगे. ये देखें, ये पूरा एक पाउच है. ठीक है, लिपस्टिक सही है, चीजें हैं सही. बस सही है. तो जो आपकी क्लास शुरू हो रही है, 18 मिनट लिपस्टिक निकालने के लिए कुछ चीज मिल जाएगी. कोई ये है वाइप, कुछ क्या चाहिए मुझे बताएं, जो चाहिए वाइप चाहिए. आई जस्ट वांट टू रिमूव द लिपस्टिक. अच्छा, वाइप्स चाहिए, वाइप्स प्लीज, मेकअप वाइप्स, रिमूवल वाइप्स. ये आपका वो है. तो आप देखेंगे कि आपका नाम क्या है बेटा? फरा के लिप्स की शेप क्या है. हम देखेंगे कि इनका लोअर लिप जो है इज वेरी फुल, ठीक है, और ऊपर का जो लिप है अपर लिप उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे इट्स ब्रॉड. हमें जो अक्सर हमने देखा है कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप नेचुरल लिपस्टिक लगा रहे हैं, लोग ग्लॉसी लिपस्टिक भी यूज करते हैं और मैट भी यूज करते हैं. तो ग्लॉसी लिपस्टिक आप पर्सनली, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट की प्रेफरेंस ये होती है कि वो लिपस्टिक पहले लगा ले मैट और उसके बाद ग्लॉस को एड इन कर दे ताकि उसका कंट्रोल रहे शेप के ऊपर सब पे. तो फरा के जो लिप्स हैं, फॉर एग्जांपल फरा के लिप्स की हम अपर लिप की शेप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ से थोड़े से ब्रॉड है, तो हम इनको अपर लिप की जो शेप है उसको उसको नहीं छेड़ रहे आप, उसको हम स्क्वीज इन कर रहे हैं. अच्छा, वही रख, क्योंकि वो हाँ अपर लिप का जो वी बना होता है, जो ऊपर का पॉइंट है जो उसका, वो थोड़ा सा ब्रॉड है. ओके, हम उसको स्क्वीज इन करके थोड़ा इन कर रहे हैं ताकि इसके लोअर लिप के साथ इसकी शेप इक्वल हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं इसकी आउटलाइन अभी छोड़ूंगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि अगर मैं इसके लिप्स को कम करूंगी तो इसकी आउटलाइन कैसे दिखेगी और वो स्किन के ऊपर फिर फाउंडेशन उसको कैसे कवर करेंगे. मैं पहले इसकी एक रॉ शक्ल बना के दिखा रही हूँ ताकि इसकी ओरिजिनल शेप सबको समझ में आ जाए. देखें, अभी आप सिर्फ उसकी जो एक्चुअल लिप्स हैं, एक्चुअल लिप्स हैं, मैं उसको एग्जैजरेट नहीं करूंगी क्योंकि पहले हम देखेंगे लिपस्टिक लगा के कि देखें हमारे पास असल में नेचुरल शेप में क्या है और इसको फिर हमें कैसे ड्रॉ करना है. मैं अगर इसकी शेप देख रही हूँ तो देखें इसके अपर लिप की सिर्फ इतनी सी शेप है, है ना, और बाकी जो लिप है वो इनवर्टेड है, अंदर की तरफ है, मुड़ा हुआ है. जैसे लाइक मेरे अपने भी जो लिप्स है ना वो इसी तरह के हैं उमा, कि जब मैं हंसती हूँ या बोलती हूँ तो ये गायब हो जाते हैं. तो मुझे एलैबोरेट थोड़ा सा उसको
बढ़ाना पड़ता है। अब ये देखिए जिनका लोअर लिप है इज परफेक्ट, परफेक्ट शेप है इसकी, बिल्कुल लोअर डीप, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन जो अपर लिप है, आप उसको गौर से देखें तो उसकी शेप आपको नज़र आ रही होगी कि सिर्फ एक छोटा सा एक उसका हिस्सा है। अब उसके हमने साइड्स पे उसको ड्रॉ करना है ताकि हम ड्रॉ करके उसको बना सकें। थोड़ा सा मतलब देखें ऐसे आराम से लिपस्टिक लगाने के लिए भी आपको बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है, क्योंकि लिपस्टिक मेकअप करने के बाद सबसे लास्ट में लग रही होती है और अगर वो फैल जाए तो उसको फिर बार बार आपको साफ करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। और बेस्ट चीज़ ये कि अगर आपके पास कॉटन बर्ड्स हैं, क्यू टिप्स हैं, तो आप हमेशा अपने साथ रखें, क्यू टिप्स के ऊपर फाउंडेशन लगा के आप उसको एज अ रिमूवल उसके करने के लिए, उसकी शेप को ठीक करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हुमा, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम हल्के हल्के धीरे धीरे तुम आगे अपर लिप्स जो है थोड़ा बढ़ाती जा रही है ना। मैं उसकी जो कोने के बेसिकली हमारे पास दोनों नजर आ रहे हैं, एक तरफ भी आ रहा है दूसरा तरफ जो नेचुरल है। सो ये देखें हुमा किस तरह उसको धीरे 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 करके जहाँ से होंठ गायब है वो बढ़ा रही है। बेसिकली मैं इसकी जो जो कॉर्नर है, लिप के कॉर्नर है, क्लोजिंग कॉर्नर, उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर थोड़ा सा बना रही हूँ उसको, ताकि ये देखिए इसका जो सेंटर लिप है ना वो इंतहाई खूबसूरत शेप है। बस थोड़ा सा उसका जो स्क्वीज्ड कॉर्नर्स है उसको मैं थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड में लेके जाऊंगी, उसको मैं बाहर थोड़ा सा निकालूंगी और साथ साथ में लोअर लिप को भी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे इतना पता हो कि मैंने ऊपर की जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कहीं मैं ओवर तो नहीं कर दूंगी। कई दफ़ा ये होता है कि लोग अपने लिप्स को बैलेंस करने के लिए अपर लिप को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो कई दफ़ा ना, मैं उसका मजाक से कहती हूँ, बत्तख भी लगते हैं और मछली भी लगती है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखें कि आपके अच्छा खुद से अगर आप नहीं कर सकते ब्रश से, मेजोरिटी मैंने देखा है खवातीन को लिप ब्रश यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मैं ये कहती हूँ जी आप लिप पेंसिल्स ले लें, आप 12 कलर्स ले लें लिप पेंसिल्स के, और आप अपने लिप्स की शेप को हमेशा पहले आप उस पेंसिल से ड्रॉ कर लें, फिर आप अगर पेंसिल ले लें तो आपको लिपस्टिक लेने की जरूरत भी नहीं होती। आजकल पेंसिल्स का पिगमेंट बहुत अच्छा आया हुआ है। करो ये देखें, ये करके अब देखें मैंने जब इसके लिप को एग्जैजरेट किया है तो इसके लोअर लिप की मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लाइन मिस कर दें तो आप जब मेकअप का जो विजुअल इफेक्ट आता है ना, विजुअल इफेक्ट, वो बहुत ही खोलें बस बस बस। अच्छा अब मैं इसकी लिप को ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है लड़कियों, 10 मिनट 19 सेकेंड्स रह गए, 10 मिनट 19 सेकेंड्स। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी, कोई टास्क नहीं है, सिर्फ जल्दी वाला टास्क है। आपका अपना मेकअप होना चाहिए जो आप जिसमें एक्सपर्ट हैं। अच्छा अब ये देखिए जैसे करते करते एक राउंड लग रहा है, दूसरा अब वो भी बैलेंस होगा। हाँ, है ना? और अभी मैं लाइट कलर यूज कर रही हूँ, एक दफा मैं लाइट कलर को एज अ बेस यूज करूंगी, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से आउटलाइन डार्क कर सकते हैं, डार्क करके हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लिप पेंसिल से आप ओम्ब्रे लिप्स का बहुत फैशन था बीच में, उसमें आपके पास अगर लिप कलर्स नहीं है, लिपस्टिक्स के नहीं, पेंसिल्स के साथ आप बेहतरीन ओम्ब्रेज बना सकते हैं। बेसिकली अब उसको ओम्ब्रे कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो ये हमारे बड़े फैशनेबल लिप्स होते थे, आउटलाइन डार्क होती थी, मोटा लिप्स लगता है ना। हाँ, और इनर लिप जो था, इनर लिप जो होता है, लिप्स जो होते हैं उसमें आपने लाइटर कलर यूज किया होता है। और आपका आउटर लाइन जो होता है वो बहुत डार्क लाइन होता है। और उसको ब्लेंड नहीं करते। ओके सही, यानी कि जो हमारी कंटेस्टेंट्स रोज गलतियां कर रही थी क्योंकि वो लिपस्टिक आखिर में लगाती है, उनके पास टाइम कम होता है तो वो लिप को वो फोकस नहीं दे पाती। अब कल रेड लिप्स बनाए हुए थे और किसी के भी ऐसा नहीं थे जिस पर ये तारीफ कर सकें कि वाओ क्या लिप्स बनाए। सब ने लिपस्टिक्स जो हैं वो बस जल्दी जल्दी में लगाई थी और वो एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। और आपको पता है जब आप लिप कलर लगा रहे होते हैं, जिसका आप लगा रहे होते हैं, उसके बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जब हम मुंह खोल देते हैं, लिपस्टिक लगाते लगाते चिन अप कर लेते हैं, यू नो।